ओ भाई लोग, सतापसिका मेरे और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करना मस्त के बारे में, मतलब एक छोटा सा स्पॉइलर टॉक वीडियो होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मुझे मूवी में कौन से सीन्स अच्छे लगे, कौन से सीन्स बुरे लगे और कौन ज्यादा बेहतर हो सकता था और अगले वाले पार्ट में क्या हो सकता है। और अगर आपने मूवी नहीं देखी तो वीडियो स्किप कर दो, पहले जाके मेरा रिव्यू वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो, बाद में ये वाला वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले बात करते ब्रह्मास्त्र क्रिएट हुआ कैसे, मतलब ब्रह्मास्त्र तो क्रिएट हुआ ऋषि मुनि ने जब तपस्या की तब जाके क्रिएट हुआ, लेकिन एक क्रिएट होने के पीछे एक यूनिक कारण होना चाहिए, मतलब ये ब्रह्मास्त्र दिया किसने, मतलब कौन से वाले भगवान ने ब्रह्मास्त्र धरती पे भेजा, क्योंकि कौन सा भगवान तो इन सब के पीछे होना ही चाहिए। क्या वो शिव जी है या फिर अपनी देवी माँ है, पता नहीं कौन है, क्योंकि मूवी में दोनों का रेफरेंस दिया गया है और भी भगवानों का रेफरेंस दिया गया है, लेकिन इन दोनों में से कौन से मेन भगवान है या फिर सभी भगवानों से मिलकर ये ब्रह्मास्त्र क्रिएट हुआ है, शायद ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन सब के पीछे जो कुछ भी अस्त्र है उनका हमारे माइटोलॉजी से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। वर्ड गलत भूल चुका हूँ मैं, पता है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उससे बहुत ज्यादा कनेक्शन है, इसी कारण ये सब चीजें एकदम लॉजिकल लगती है कि ब्रह्मास्त्र इन सभी के कारण क्रिएट हुआ है, क्योंकि ऋषि मुनि ने तपस्या की, सभी भगवान एकत्र आ चुके थे और बाद में ब्रह्मास्त्र क्रिएट हो चुका था। सही बात है ना। इसके बाद बात करते हैं कि आलिया भट्ट, उसके पास आप कौन सा अस्त्र है। अगर आपने मूवी अच्छी तरह से देखी होगी तो जब मोनी रॉय उज्जे के पे अपना अपना कांड कर रही थी एंड वाले सीन में, तब आलिया भट्ट एक कौन सा तो अस्त्र ऐसे जैसे उसने किया था वैसे ही वो एक अस्त्र लेती है। मुझे तो नजर आया, पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन उसके पास शायद एक अस्त्र हो सकता है, पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन मुझे उनमें से दोनों में से एक अस्त्र लगता है। एक तो पवन अस्त्र हो गया क्योंकि वो बच्चा तो शायद मर चुका है, और दूसरा जलास्त्र, क्योंकि अपने शिवा के पास अग्नि है, इसके पास जल है, और देव और शिवा की माँ दोनों का भी कॉम्बिनेशन सेम है, तो शायद जलास्त्र हो सकता है, लेकिन मुझे तो ज्यादा चांसेस है कि पवनास्त्र हो या फिर जलास्त्र हो, लेकिन अगले वाले मुझे मजा आने वाला है। और इसके बाद आती है बात कि आलिया भट्ट के पेरेंट कौन है। साला लड़की दो दिन में एक लड़की को फंसा के पता नहीं कहाँ कहाँ एडवेंचर कर रही है, लेकिन उसके माँ बाप को कुछ भी चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं, घंटा उसे फर्क नहीं पड़ रहा उनके माँ बाप को कि लड़की कहाँ गायब है, दोनों दिनों से घर में आती नहीं, खाना खाती नहीं। हाँ, बड़े लोग है, उनके चूसरे चलते रहते, लेकिन लड़की की थोड़ी बहुत तो चिंता होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, परेशान हो चुका हो ये सोच सोच के कि साला एक दिन में प्यार कैसे हो जाता है। ठीक है, ये अलग बात हो चुकी, लेकिन आलिया भट्ट के पेरेंट के पीछे भी कुछ ना कुछ तो सीन होना चाहिए, जो कि शायद हमें अगले वाले पार्ट में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऐसे तो आलिया भट्ट ऊपर से नहीं टपकने वाली, उसके पेरेंट होंगे, क्योंकि सबसे पहले बिजनेसमैन है, तो पहले वाले पार्ट में भी शाहरुख खान अच्छा खासा आर्टिस्ट था और बाद में नागार्जुन सर भी बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे थे, तो वो दोनों भी ब्रह्मास्त्र से कनेक्टेड थे, तो क्या आलिया भट्ट भी ब्रह्मास्त्र से कनेक्टेड हो सकती है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो अगला पॉइंट है कि ब्रह्मास्त्र क्रिएट हुआ, देव भी जो अपने अपनी जगह पे वापस आ चुका है, और आगे जाके वो क्या कर सकता है, और मोनी राय शायद मरी हो या फिर मरी भी ना हो सकती है, क्योंकि हमने उसे मरते हुए देखा है लेकिन उसकी लाश नहीं दिखी, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मूवी में डायलॉग तो इतने ज्यादा घटिया थे, पसंद तो नहीं आए, क्या हो तुम, कौन हो तुम, साला क्या डायलॉग लिखे थे, ठीक है फिर भी ठीक है। तो इसी कारण ब्रह्मास्त्र के पीछे जो कुछ भी सीन होने वाला है अगले वाले मूवी में, देव आगे क्या कर सकता है, सबसे पहले जाके अपने बेटे को मारेगा, आलिया भट्ट को लेके आएगा, उसे धमकी देगा कि अगर तुझे अपना प्यार पसंद है तो मुझे ब्रह्मास्त्र दे दे। ऐसी तो चुच्ची मुच्ची आरक तो करने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पावर है, तो इसी कारण वो डायरेक्ट आके भिड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सीधा जाके पहले वाले मूवी में ऐसे जाके एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में ये ऐसा बिल्डअप करेंगे, बाद में हमें जाके एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गई अब ब्रह्मास्त्र की, और शिवा और उसके बाप
दोनों के बीच की बात अब आके आते हैं कि क्या उसकी माँ जिंदा है, क्योंकि ऐसे तो वो मर चुकी है लेकिन पता नहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जलास्त्र तो मोनी रॉय के पास था। तो उसकी माँ को मारा किसने, मोरिनाय ने या फिर देव ने, दोनों में से कोई ना कोई एक तो मारने वाला होगा। इसी कारण उसकी माँ शायद तो जिंदा हो सकती है, क्योंकि उसके पास जलास्त्र होगा तो वो ऐसे तो अग्नि से नहीं मरने वाली। साला देव को हरा दिया था उसने, तो ऐसे अग्नि से वो थोड़ी मरने वाली है। तो या तो उसे धोखे से मारा गया होगा प्यार का लालच दिखा के, क्योंकि सब इन सब के पीछे एक ही लॉजिक है लव, क्योंकि पहले वाले पार्ट में वही था। तो इसी कारण उसे या तो एकदम धोखे से मारा गया होगा या फिर वो जिंदा हो सकती है, क्योंकि वो खीर वाली आंटी तो पता है ना, शायद वो उसकी माँ हो सकती है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है होगी भी या फिर नहीं भी होगी, ऐसी बना सकती है, लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। लेकिन अगले वाला पार्ट बहुत ज्यादा इपिक होने वाला है, क्योंकि बैटल बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी हो सकती है। इसके बाद मूवी में अच्छा तो बहुत ही अच्छा था वीएफएक्स, लेकिन बुरा भी उतनी ज्यादा घटिया डायलॉग थे। और मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा इपिक था, क्योंकि एक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन डायलॉग इतने ज्यादा घटिया क्यों लिखे गए मुझे तो समझ में नहीं आया। और तो लव स्टोरी का पंगा, आपको क्या लगता है लव स्टोरी अगले वाले पार्ट में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है? अगर आपको लगता है लव स्टोरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी तो मूवी फिर से वही वाली चीज पे वापस आ जाएगी। लेकिन अगर ये लोग लव स्टोरी को एकदम कम रखेंगे और दूसरी वाली चीजों को अगर अच्छी तरह से देखने के लिए मिल सकती है अगर हमें, तो शायद कुछ ना कुछ तो अलग हो सकता है। और ब्रह्मास्त्र बहुत ही अच्छी खासी सुपर हीरो ट्रायलॉजी सीरीज बन सकती है, लेकिन लव स्टोरी को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि पहले तो इस वाले पार्ट में ऐसा तो नहीं था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हम लोग को पता है कि कैरेक्टर अच्छे थे और अच्छी तरह से लिखे जाने थे, लेकिन जो उन सब के बीच में जो कनेक्शन आता है ना, उससे उन्होंने अच्छी तरह से बिल्कुल भी बिल्ड नहीं किया। वो कनेक्शन एकदम एकदम ऐसा था, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे ही एक दिन में किसी को भी प्यार नहीं होता। और आप पूरी मूवी को उसी वाली एक ही चीज पे बेच रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें वर्क कर सकती है एवरी एवरी चीज पे? अगर आप मूवी को बताते हो कि लव ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि एक दिन में होता है, तो ऐसा नहीं हो करना चाहिए। अगले वाली मूवी में अगर आप लोग बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते ब्रह्मास्त्र की टीम, तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है अगले वाले पार्ट के लिए। और एक्शन तो बहुत ही अच्छा था, उन्होंने पहले वाले पार्ट में एक्शन में कोई भी कमी नहीं रखी, एक्शन ऐसा ही होना चाहिए सेकंड वाले पार्ट में भी। लेकिन दूसरा वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो इसी कारण मूवी मुझे तो अच्छी लगी और देखने लायक है, ऐसे मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। बॉलीवुड की तरफ से फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ तो आ रहा है अलग, इसी कारण इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मूवी में थोड़ी बहुत भी कमियां थी जो कि अगले वाली मूवी में शायद बेहतर बना सकते हैं। तो ये वाला था मेरा ब्रह्मास्त्र के बारे में विचार। और आपको क्या लगता है अगला वाला पार्ट कितना एपिक हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, बाद वाला घंटा है ना उसे दबा दो, ऑल पर कर दो, वीडियो शेयर करो। तो बस मिलता है, तब तक लिए बाय बाय।